हेलो फ्रेंड्स, तो वापस से आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर कभी भी मैं जाऊंगा तो मैं जितनी भी चीज़ें दिखाने लायक होगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि पिछली बार मैं जब आया था तो इवनिंग का टाइम था, उस समय अलाउ नहीं था हम लोग को, तो मैं बाहर से ही चला गया था। बट आज मैं सुबह 6 बज रहा अभी और आज मैं जल्दी ही उठ गया, तो मैं सोचा आ जाता हूँ। देख सकते हैं मैं इस वक्त हूँ पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एकदम कैंपस के बगल में। देख सकते हैं वहाँ पे उसका पवेलियन है, मैं उसके कैंपस के जस्ट बगल में आ गया हूँ। जस्ट थोड़ी दूर पे उसका मेन गेट है, मैं जाता हूँ अंदर, एंट्री करता हूँ, फिर जितनी भी चीज़ें होंगी दिखाने लायक तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। और गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं सुबह ही वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी के लिए गुड मॉर्निंग। आप लोग जब भी वीडियो को देखते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेन गेट, बहुत बड़ा लोचा हो गया। फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी कि मैं मतलब आज भी आप लोगों को इसके अंदर जाके नहीं दिखा पाया। मैं आज तो आया था बट मैं जैसे ही गेट के अंदर गया तो वहाँ पे गार्ड्स खड़े थे, उन्होंने मेरे से पूछा, अरे आप कहाँ जा रहे थे? मैं बोला, अरे मैं मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ। तो वो बोले, नहीं मॉर्निंग वॉक तो कब का बंद हो चुका। मैं बोला, अरे मैं तो पहले यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने आता था। तो देन उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, मॉर्निंग वॉक वगैरह सब बंद है जब से कोरोना आया, तो आफ्टर कोविड ये सब, मतलब कोरोना के पहले ही सब कुछ था, उसके पहले ये सब अलाउ था, बट आफ्टर कोरोना, कोरोना के बाद ये सब मतलब बंद हो चुका है। अब इन सब ये मॉर्निंग वॉक, क्योंकि मतलब पब्लिक क्राउड को, मतलब क्योंकि अभी भी आपको पता होगा कोविड का केस है, और जब मॉर्निंग वॉक के लिए खोला जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो ऐसे प्लेस पे तो सब क्राउड को ज़्यादा हम बढ़ावा तो देंगे नहीं। इसी वजह से आफ्टर, मतलब कोरोना का बाद यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग, मतलब मॉर्निंग वॉक पे मतलब पूरी तरह से बंद है। तो मैं जैसे ही गया तो बस वहीं पे गार्ड खड़े थे, चारों तरफ बैरिकेड लगा हुआ, अंदर नहीं जा रहा था। मैं गया था बहुत अच्छे जगह के, आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, बट आज भी मैं नहीं दिखा पाया। मैं जैसे ही गेट पर गया, गेट से ही मेरे को बाहर आना पड़ गया। गेट से ही बाहर आना पड़ गया, उन्होंने मेरे को बोला कि अब पहले ये सब था, अब ये सब नहीं है, तो अब क्या किया जाए। फिर भी मैं सोचा हूँ मैं आप लोगों को, मतलब जितनी भी मतलब चीज़ें जो मेन है, मैं स्टेडियम के बाहर साइड से जाके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 2 साल से यहाँ पे सुबह का मॉर्निंग वॉक बंद है, अब पब्लिक के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कोरोना गैदरिंग से फैलता है, जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा उतना ज़्यादा कोरोना। तो इन सब जगहों पे तो हाँ अभी भी ये सब तो देखा जाता है, गैदरिंग वगैरह ना करना। इसी वजह से शायद मतलब कोरोना जैसे ही पूरा तरह से अगर फिर से अगर ठीक हो जाता है, पहले जैसा सब माहौल हो जाता है, तो फिर से वो खुल जाएगा। तो अगर उस टाइम भी अगर खुल जाता है तो मैं उस टाइम आऊँगा, और स्टेडियम यहीं पे है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहीं पे है, मैं भी यहीं पे हूँ। तो जैसे ही सब सारी सिचुएशन फिर से पहले जैसी नॉर्मल होती है, पहले ही जैसे फिर सब कुछ मॉर्निंग वॉक खुल जाता है सबके लिए, तो मैं फिर से यहाँ पे आ जाऊँगा और उस टाइम आप लोग अच्छे से दिखा दूँगा। बट अभी क्या करते हैं, जितनी भी चीज़ें कैप्चर हो पाती है बाहर के साइड से, जैसे कि मैं आप लोगों को कल दिखाया था कि ये क्या है, प्लेयर्स हॉस्टल है, उसी तरह और भी जितनी सारी चीज़ें बाहर से मुझे दिख जाए वो आप लोगों को मैं इंडिकेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो मैं आ चुका हूँ एक आउटसाइड, ये देख सकते हैं प्लेयर हॉस्टल मेरे जस्ट सामने, और मैं आ चुका हूँ कॉम्प्लेक्स, मतलब इसके कैंपस, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कैंपस के जस्ट बगल में एक खुला सा ग्राउंड है। यहाँ पे पहले हम क्रिकेट खेला करते थे, देख सकते हैं बहुत खुला मैदान है, वहाँ पे क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस होती है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे नेट लगा है। तो देख सकते हैं ये रहा हमारा प्लेयर हॉस्टल, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखा दिया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एक कवर देख रहे हैं, इसके लिए बॉक्सिंग रिंग है, आउटडोर बॉक्सिंग, ये आउटसाइड बॉक्सिंग रिंग बना है, दो रिंग बना है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ उधर के साइड जाके, वो जो आप इंडोर टाइप का एक देख रहे हैं ना, आपको दिखाता हूँ, वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है इंडोर कबड्डी ग्राउंड। कोई मैच होता है प्रो कबड्डी लीग का, जितना भी मैच होता है पटना का अपने खाते का होम ग्राउंड का, तो पटना की टीम इसी, ये इंडोर कबड्डी ग्राउंड है, और इसी में वो कबड्डी खेलती है, कबड्डी की जितनी भी प्रो कबड्डी की टीम यहाँ पे आती है।
तो वही कबड्डी का ग्राउंड है, उसी में वो खेलती है। तो बस लगभग यही है, आप देख सकते हैं ये दो बॉक्सिंग रिंग रहा, अब वो इंडोर कबड्डी ग्राउंड हो गया, वहीं पे कबड्डी होती है। और देख सकते हैं वो एक बीच का, वो देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा फ्लड स्लाइड, और वहाँ पे है ऐसी चार, देखिए एक वहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक उधर के साइड है, टोटल चार। और बीच में वो ग्राउंड है जिसके अंदर सभी स्पोर्ट्स होती है, जैसे कि जितनी भी स्पोर्ट्स पॉसिबल है यहाँ पे वो सब होती है। और ये रहा प्लेयर्स का हॉस्टल। आज भी मैं अंदर नहीं जा पाया इसके लिए, बहुत बहुत सॉरी। अब मैंने तो अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया था, मैं आज भी सुबह में जैसे ही उठा मैं सोचा चलो चलते हैं घूम घूम के आते हैं आप लोगों को दिखा देंगे, बट आया तो पता क्या चला, जैसे ही मैं आया तो पता चला कि अरे ये तो जब से कोरोना आया तब से बंद है, क्योंकि अगर मॉर्निंग वॉक खुला रहेगा तो पब्लिक का गैदरिंग होगा, और गैदरिंग होगा तो आपको पता है कोरोना वैसे ही फैलता है। अभी भी आपको पता होगा हर जगह ऐसे ही, मतलब मास्क पहनने रखना हर चीज़ मतलब है, क्योंकि अभी भी चीज़ें पहले जैसी नॉर्मल नहीं है, अभी भी सब कोई खुल के नहीं है, तो कोई मतलब ऐसे इन सब चीज़ों को मतलब बढ़ावा नहीं देता, अभी भी बहुत प्रोटेक्शन है। तो मे बी कहीं पहले जैसे फिर से सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाए तो वापस यहाँ पे मॉर्निंग वॉक स्टार्ट हो जाएगा, सुबह के टाइम में सब लोगों को पब्लिक को मतलब एंट्री करना अलाउ हो जाएगा, तब हो सके तो मैं यहाँ आऊँगा। और वैसे भी घबराने की कोई बात नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स तो यहीं पर रहेगा और मैं भी यहीं पर रहूँगा कुछ दिन तक, और जैसे ही कुछ सभी चीज़ें नॉर्मल होगी यहाँ पे पहले जैसे सब कुछ हो जाएगी तो मैं वापस से यहाँ पे आऊँगा, फिर आराम से अंदर जाके एक एक चीज़ बढ़िया सब लोगों को दिखा दूँगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी खुल जाएगा। क्योंकि मैं जैसे ही गया था तो उन्होंने मेरे को रोका, बताया ऐसे ऐसे बात है, तो मैं उन लोगों को बताया कि मैं पहले 2 साल पहले आएगा, क्योंकि जब से कोविड आया उसके बाद से तो हमने ज़्यादातर टाइम अपने घर पे ही बिताया है, कहीं बाहर बाहर आए नहीं, तो मेरे को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि अरे यार अभी मॉर्निंग के टाइम में भी बंद है, आ जाए तो पता चलता। मैं पूछा कि क्या यह हमेशा ऐसे ही रहेगा, तो उन्होंने बोला नहीं, जैसे ही सभी कुछ चीज़ें नॉर्मल होंगी पहले जैसी तो वापस से पहले जैसा ही हो जाएगा, सबको अलाउ हो जाएगा, तो उस टाइम में मैं यहाँ पे आऊँगा और एक एक चीज़ अच्छे से मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो आज मेरा सुबह में उठना, मैं सोचा था मतलब सुबह में आज उठ गया था, उठते ही सबसे पहला काम यही, जल्दी से ब्रश व्रश करके सोचा जाऊँ, आना बेकार हो गया यार, चलो कोई ना, आया तो मुझे भी पता चल गया कि अभी ये चीज़ें हैं, मेरे को भी नहीं पता था, मैं कभी आया नहीं था। तो ओके गाइज, आई एम वेरी सॉरी, बट मैंने अपने साइड से बहुत ट्राई किया, तो गाइज देख ही सकते हैं। तो गाइज आज के लिए टाटा बाय बाय, मैं चलता हूँ वापस, फिर से मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, आप लोगों अगर आप जितने भी लोग इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।